आज हमारे समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन था, ये दशहरा समारोह था खार समाज का। उसमें करीब 500 से 700 लोग आए थे बाहर से और सभी प्रदेशों से आए थे, जो कि कार्यक्रम 11 बजे स्टार्ट हो गया था, 4 बजे लगभग खत्म हो गया। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन यहाँ पर आया और कितने लोगों की संख्या रही, क्या क्या सम्मिलित रहे? सरकार के भारत से कुशवाहा मंत्री आए भारत सरकार के, और झांसी विधायक रवि शर्मा जी आए थे, और धनुराव गौतम आए थे, और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक उदय सिंह पंडाई थे, बाकी गणमान्य लोग हमारे सारे समाज के मान्य आदमी आए थे। आज हमारे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, अपने लोगों तक और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं? कहना चाहते हैं कि आज हमारे समाज का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह ससारी डबरा बनाया गया है, जो सभी की समिति बनाया गया है, जो हमारे 700 आदमी करीब आए थे, उन्होंने सभी ने वोट डाले और मनोनीत किया गया। ये जो वोटिंग का सिलसिला चला था, इसमें कितने प्रत्याशी रहे, क्या उन कौन ने भागीदारी रही, किस तरह के लोग? इसमें 700-800 के बीच प्रत्याशी रहे हैं, और इसमें सभी लोगों ने भागीदारी की है, और समाज का नया नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज से किया गया है, और हमारी ये समाज के आगे की पीढ़ी के लिए, नए युवाओं के लिए नई दशा समारोह का सम्मेलन किया गया है, जिसमें हम नौजवानों के लिए आगे के लिए समझदारी बताई है, और इसी तरह हम लोग भी कोई आगे चल के समाज का ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। ये प्रति वर्ष होता है कि कैसे होता है, इस पूरी प्रक्रिया में बताइए फिर से सवाल। आज हर साल की भांति चुनाव होते हैं कि आज ये वर्ष ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है ये दो बार हुआ है, और ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तीसरी साल में बनते हैं। अच्छा, तीन साल बाद तीसरी साल में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उसके लिए हमारे ये गढ़कुंडार में जो हर साल महोत्सव मनाया जाता है, गढ़कुंडार में, उसके लिए सभी को इस दशा और समारोह का सम्मेलन रख दिया। ठीक।